खबर कानपुर नगर से है। भीतर गांव विकास खंड में एक साथ 6 ग्राम पंचायत सचिवालय चौपाल लगाकर यहां पर अधिकारियों ने योजनाओं का सत्यापन कर लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए चौपाल का आयोजन किया। डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि लाभकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने व ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। भीतर गांव ब्लॉक के गांव गोपालपुर स्थित पंचायत सचिवालय में पहुंचकर डीएम ने चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया। यहां चौपाल में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर व एचसीएम नलकूप बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिसके चलते डीएम ने दोनों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों को दिया जाए। इस दौरान यहां पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कब्जे की क्या स्थिति है? सरकारी भूमि पे कोई कब्जेदार की स्थिति तो नहीं है, ये आपकी शिकायत है, दे दीजिए। एप्लीकेशन जो है वो इकट्ठी करके दशा में अक्षम्य है। सरकारी भूमियों पर लोग अगर कोई कब्जेदार है, अगर आदतन प्रकार का कोई कब्जेदार है जो बार बार एक बार जाके तहसील की टीम खाली करा आती है, फिर कर लेता है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके भूमाफिया में चिन्हीकरण करिए और उनके विरुद्ध में जो दंडात्मक से दंडात्मक जो कठोरतम कार्रवाइयां हैं उनको अमल में लाइए। और इसमें पूरा सहयोग गांव को भी करना चाहिए। सरकारी संपत्ति ही गिर जाएगी तो ना हमारे बच्चों के लिए खेलकूद के मैदान रह जाएंगे, ना हमारे पशुओं के लिए तालाब में पानी पीने की व्यवस्था रह जाएगी। देखिए, आज गोपालपुर नरवल में आज आयोजन हुआ है और इसके बाद हम 5 गांवों में अलग अलग जगहों पर आयोजन कर रहे हैं। भीतर गांव ब्लॉक है और बहुत समस्याएं जो आई हैं सामने वो अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी पेंशन, आधार सीडिंग नहीं हुई तो पेंशन रुक गई। कुछ जगहों पर मनरेगा के कार्यों को लेकर के शिकायत थी। मौके पर ही त्वरित रूप से हम लोगों ने अधिकारियों को भेजा और उन शिकायतों के बारे में लोगों को आश्वस्त किया है। कहीं पर ऐसी कोई बहुत ही प्रमुख चीज़ नहीं आई है, लेकिन छोटी छोटी दैनिक नित्य लाइफ से रिलेटेड इनकी जो समस्याएं हैं उनके निपटान के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर संबंधी भी बातचीत की, तो उसमें भी हिस्ट्री शीटर्स का सत्यापन भी किया जाता है गाँव में, वो भी किया गया। तो इस प्रकार से एक बड़े समय के भाव के साथ में पूरी इस चौपाल का आयोजन हुआ। जो लोग इस पूरी लापरवाही में लिप्त हैं उनका हम लोगों ने आज का वेतन रोका है, ये कार्रवाई की गई है। और इसमें मुझे ये भी कहना है कि जिन अधिकारियों के द्वारा पूरी शासन की योजनाओं को धरातल पर फलीभूत करने के लिए लापरवाही दर्शाई जाएगी उनके विरुद्ध हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। उनकी शासकीय उसमें अभी तो मैंने देखा राजकीय नलकूप के जो एक्सीएन थे वो एब्सेंट थे और स्वास्थ्य विभाग में भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो नहीं आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब, भारत।